भरवारा बस स्टैंड के पास बालू से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली शहद पलटा, बाल बाल बचे लोग। आपको बता दें कि एटोरा घाट से अवैध बालू भरकर तेज गति से जा रहा ट्रैक्टर भरवारा बस स्टैंड के समेत पलटा। विकासखंड पनवाड़ी के छतेसर घाट महुआ एटोरा एवं बिजरारी घाट को माफियाओं ने बनाया अपना ठिकाना, सीना ठोक कर जारी है खनन का खेल। कार्यवाही की प्रक्रिया को अधिकारियों द्वारा किया जा रहा नजरअंदाज, सवालों के कटघरे में खड़े दिख रहे हैं जनपद में काबिज अफसरान। अवैध खनन पर नकेल कसने में नाकाम प्रशासनिक अधिकारी, जिस माफिया रूपी वजूद को खत्म करने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने एड़ी चोटी का दम लगा रखा है, उसी वजूद पर प्रशासनिक हुक्मरानों की दया दृष्टि योगी सरकार के अरमानों पर पानी फेरती नजर आ रही है। वही खनन माफियाओं को नजरअंदाज किया जाना सरकारी तानाशाही की नई मिसाल पेश कर रही है। सत्ता के शिखर पर विराजमान भाजपा सरकार में अनैतिकता अपने चरम सीमा पर पहुंच रही है। जनपद महुआ के परवाड़ी विकासखंड के छतेश्वर घाट महुआ एटोरा पर माफियाओं ने डेरा डाल खनन नीतियों को जमीन पर ला धकेला है। एनजीटी के दिशा निर्देशों को सरे राह नीलाम कर खनन का काला बाजार सजाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक हुक्मरानों को अपने ऑफिस से निकलकर कार्रवाई करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मानसून के मौसम में सरकारी गाइडलाइन को ताक में रखकर खनन का खेल खेला जा रहा है। दिन दोपहर सरकारी राशियों को खनन माफियाओं द्वारा भारी भरकम क्षति पहुंचाई जा रही है, तो वहीं काबिज हुक्मरानों का कार्रवाई न करना प्रशासनिक कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा रहा है। महोबा में मानसून सत्र के दौरान खनन का खेल खुलेआम खेला जा रहा। कुल मिलाकर अगर कहें तो प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे नियमों को ताक पर रखकर किया जाने वाला खनन आवाम के बीच काफी सुर्खियां बटोरता दिखाई दे रहा है। महोबा से यूपी 24 न्यूज के लिए जिला संवाददाता संतोष कौशिक की रिपोर्ट।